आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी। सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है सुबह के कारोबारी सत्र में और उस पर रुपए मेहता की क्या राय है। लेकिन कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन का डर सता रहा है और ओमिक्रॉन में आपको ये चिंता है कि आपकी दुकानदारी बंद हो सकती है, तो आपके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके द्वारा आप की दुकान का शटर अब बंद नहीं होगा, आपकी दुकान का शटर खुला ही रहेगा 24 घंटे। आ गई है इसके लिए माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस ऐप। करना इतना छोटा सा काम है, फ़ोन फटाक से उठाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना और इस पर स्टोर बनाकर अपने प्रोडक्ट्स लाइव कर देने। आप जो भी सामान बेचना चाह रहे हैं ऑनलाइन, आपको वो प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर चढ़ाने हैं और आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। इतना छोटा सा काम करना है, ना ही कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, ना ही कोई फीस देनी है, कुछ नहीं करना है। बिना एक रुपया खर्च करे आप इस ऐप से भरपूर पैसा कमा सकते हैं, भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, साइड बाय साइड कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो या फिर आप एक गृहिणी क्यों ना हो, इस ऐप से आप पैसे कमा सकते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के कम्युनिटी बाजार के अपडेट की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड इस वक्त $1803 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है सुबह के कारोबारी सत्र में और सिल्वर $22 पर। हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सोने की कीमतों में तेजी बनती नजर आई है, सोने की कीमतों में एक उछाल बनता नजर आ रहा है। आपको बताते हैं कि हाल ही में जो US फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय निकल के सामने आया था कि अब जो US फेडरल बैंक है वो कोई बड़े चेंजेस नहीं करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा गिरता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में आज हम देख रहे हैं कि उछाल देखने को मिला है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। हम हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देख रहे हैं कि सोने में उछाल बनता नजर आ रहा है, सोना $1800 के ऊपर एक बार फिर से निकला है। खबर है कि इंडेक्स डॉलर में गिरावट है और दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी अभी नहीं अपनाई जाएगी जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसीज में कोई ड्रास्टिक चेंज आए। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने चांदी में उछाल आया है, तो क्या अगला कारोबारी सप्ताह सोने चांदी में तेजी भरा रह सकता है? रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या अगला कारोबारी सप्ताह सोने चांदी में फिर से तेजी वाला भरा रह सकता है? देखिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जहां तक सोने और चांदी की बात है, सोने और चांदी के अंदर माहौल जो है वो काफी पॉजिटिव ही है। अभी जिस तरीके से मार्केट के अंदर रिएक्शन देखने को मिल रहा है और अभी मोमेंटम जो है वो एक बार साइडवेज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो पॉजिटिव हो गया है। $1800 के ऊपर आज सोना निकल चुका है। अब यहाँ से 1820 तक एक बार अपसाइड में सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल डॉलर जो है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और ECB की जो मीटिंग्स हैं उससे भी डॉलर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और अभी फिलहाल आगे चलकर प्राइसेस के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। 1820 से 1840 तक सोने की रेंज देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार सोना यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाता नजर आ सकता है, सोने चांदी की कीमतों में यहाँ से कुछ हल्की तेजी बनती नजर आ सकती है। जिस हिसाब से डॉलर में गिरावट बनती नजर आई है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और जो मॉनेटरी पॉलिसीज है फेडरल रिजर्व बैंक ने चेंज नहीं की है, उसकी वजह से सोने चांदी कीमतों को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और जो स्टॉक पाइल्स हैं यानी कि कच्चे तेल का जो स्टॉक है, जो बैरल्स हैं, उनमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। लेकिन आज देख रहे हैं कि इसके विपरीत कच्चे तेल का वायदा बाजार इंटरनेशनल मार्केट में लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस गिरावट का कुछ लेना देना है US की जो खबर निकल के सामने आई है उससे?
इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ऑयल जो है वो अभी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी जो कंसर्न्स हैं वो इम्पैक्ट देखना होगा कि डिमांड के ऊपर कैसा पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, स्पेशली ओमिक्रोन का। अभी जो ओमिक्रोन का इम्पैक्ट है वो स्लो हो गया है, इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में वापस से तेजी आती हुई दिखाई दी थी। और दूसरा, जिस तरीके से इन्वेंट्री जो देखने को मिली और मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरीके से टाइट होती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर की में वीकनेस आ रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कच्चा तेल आज दबाव में आ रहा है क्योंकि डॉलर में वीकनेस है, इस वजह से प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ हम देख रहे हैं। और आगे बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी जो मीटिंग है उससे भी आगे काफी अच्छा, मतलब उम्मीद है कि कुछ रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी फेड की मीटिंग से जो आउटकम निकल कर आया है, उन सबका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर के ऊपर नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया है। और कच्चे तेल की जहां तक डिमांड की बात है, अभी फिलहाल डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही थी, और जैसे जैसे कोई इस तरीके का अपडेट आता है ओमिक्रॉन को लेकर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कच्चे तेल पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव बन जाता है। तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं कच्चा तेल आज इंट्राडे में जरूर लुढ़का हुआ है, नीचे में $70 से $68 की रेंज है, वहीं ऊपर में $72 से $75 है। तो यानी कि आज डिप है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करें कि कच्चा तेल $80 के आसपास जाकर सस्टेन कर सकता है। तो आज इंट्राडे में 5400 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में जा सकता है, वहीं 5400-5380 के आसपास सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में सेलिंग आ सकती है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो अभी रेंज जो है वो $80 तक जाती हुई अपसाइड में दिखाई दे सकती है। जी ये सुरपा जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का वायदा बाजार भी आज मिले जुले रुझान के साथ है। कल की गिरावट के बाद हल्की सी कुछ करेक्ट तेजी तो आई है, लेकिन अभी भी कुछ मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स के अंदर। आपके अकॉर्डिंग आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहेगा? देखिए बेस मेटल में पॉजिटिव है रुझान, आज हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन चाइना से अच्छी डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है। एनर्जी संकट जो देखने को मिल रहा था वो अभी थोड़ा सा थम गया है, और कोयले की डिमांड भी बढ़ी है वहां पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी आगे चलकर बेस मेटल में पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर जो है 760 से 780 तक ऊपर जा सकता है, वहीं निकल की बात करें तो 1600 तक ऊपर जा सकता है, वहीं मुझे जिंक और लेड में भी पोटेंशियल दिखाई देती है। इसी के साथ एल्यूमिनियम भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल बेस मेटल में पॉजिटिव है रुझान, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। आज इंट्राडे में अगर बाजार गिरते हैं तो वहां पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक वापिस से तेजी में बाजार जाता हुआ बेस मेटल्स का दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा नॉन एग्री पर, कौन सी कमोडिटीज के आज टॉपिक्स देना चाहेंगे आप जिनमें आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो सोना चांदी में खरीदारी करें, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ बेस मेटल्स में बाइंग करके चला जा सकता है। बेस मेटल्स में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली निकल में। निकल मुझे लगता है 1580 से 1600 तक ऊपर जा सकता है। जी तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।